गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मनिका फ्रॉम डीपीएस गोसाईखेड़ा। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 2B क्लास 6। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया था सेल्फ प्रैक्टिस 2B का 6th क्लास का, और आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी 5th क्वेश्चन, वही सेल्फ प्रैक्टिस 2B का 6th क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड प्रोडक्ट। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है और प्रोडक्ट को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 9 × 15। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास, हम एक ऐसे दोनों में से एक ऐसे नंबर को ब्रेक कर देते हैं प्लस में, दो नंबर्स के एडिशन में ऐड करके उसे लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर से दोनों नंबर्स को जिन्हें हमें ब्रेक किया, फिर उन्हें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे, और ब्रेक हम उन नंबर्स को करते हैं कैसे करते हैं, जैसे 10 + something 100 + कुछ मतलब जैसे 200 + कुछ ऐसे करते हैं, या फिर माइनस में, जैसे अगर 999 है तो उसको कैसे माइनस करेंगे, 1000 - 1 इस वे में, या तो एडिंग की फॉर्म में करेंगे या फिर सब्ट्रैक्टिंग की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कैसे करेंगे। ए पार्ट है हमारे पास 9 × 15 - 1, दो तरीके से कर सकते हो इसको कैसे, या तो 10 - 1 कर दो या 10 + 5 कर दो इसे। तो हम मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 15 को ब्रेक कर रही हूँ 10 + 5 में। फर्स्ट स्टेप मैंने ये किया, सेकंड स्टेप में अब क्या होता है, मतलब 9 × 10 और 9 × 5। सो लिखते हैं हम यहाँ पे 9 × 10 + 9 × 5, इससे हमारा जो आंसर है वो इजिली आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन इजिली हो जाती है। वैसे आप 9 × 15 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा टिपिकल सा होता है, ये वे क्या होता है इजी होता है। तो 9 × 10 से करेंगे 90 + 9 × 5 से करेंगे तो क्या आएगा 145। उसके बाद 90 में 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 135। इजिली आ गया, इजिली मल्टीप्लीकेशन हो गई और दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी पांच पे आओ, 82 × 103 है। अब ब्रेक करेंगे 82 को तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 80 + 2, फिर वो 80 से मल्टीप्लाई करना इजी नहीं होगा, लेकिन 103 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम 100 + 3। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, 82 एज इट इज मल्टीप्लाई 103 को कैसे ब्रेक करेंगे 100 + 3। उसके बाद क्या है, 82 की मल्टीप्लाई 100 से और 82 की मल्टीप्लाई 3 से, ये हमारा कौन सा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है। 82 × 3 यहाँ पे क्या आएगा 2। 82 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा 8200। 82 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 एंड 3 × 4 = 24। उसके बाद क्या करेंगे 8200 में इस 246 को क्या करेंगे ऐड, वो हमें क्या देगा 8446, 8446। तो ये थे दो पार्ट थे 5th क्वेश्चन के। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट सी पार्ट इज 7 × 124। अब दो मेथड है, या तो 7 को ब्रेक कर दीजिए माइनस की टर्म में लाइक 10 - 3, या 124 को ब्रेक कर दीजिए 100 + 24। दोनों वे करवाती हूँ मैं आपको, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। पहला क्या है कि 7 को मैं ब्रेक कर दू कैसे, 10 − 3 × 124, फिर 124 की मल्टीप्लाई 10 से और 124 की मल्टीप्लाई 3 से। तो कैसे दिखेंगे, 10 × 124 − 3 × 124, क्या आएगा 10 × 124 = 1240 - और जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 124 से, 3 × 4 = 12, 1 = 6, 7 and 3। उसके बाद क्या है, इन दोनों को आप माइनस कर दोगे। नेक्स्ट मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास 7 एज इट इज 124 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 100 + 24, फिर 7 की मल्टीप्लाई 100 से और 7 की मल्टीप्लाई 24 से, 7 × 100 + 7 × 24, यहाँ क्या आएगा 700, और फिर 7 की मल्टीप्लाई आप 24 से करके और बाद में उसे ऐड कर सकते हो। दोनों वे से आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, ये भी इजी है और ये भी इजी है। आई होप दिस 3 पार्ट्स ए बी एंड सी पार्ट आर क्लियर टू यू ऑल। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।